श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका अपना कुलवीर सिंह स्वागत करता हूं जी आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो के लिए पहुंचे हैं जी गांव नत्था सिंह वाला, तहसील गोनियाना मंडी और डिस्ट्रिक्ट बठिंडा इस गांव को लगता है जी। वीडियो शुरू करने से पहले जिन मेरे भाइयों ने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और पास वाला घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कर दें। उससे क्या होगा कि आने वाली जितनी भी वीडियोस अपने चैनल पर आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहेगी। दोस्तों आज की वीडियो में इस तरफ सामने पांच तो जो गाय आप लोग देख रहे हो, एक बिल्कुल ताजी ब्याई हुई ये भैंस भाई सबके पास सेल के लिए अवेलेबल है जी। सेल परचेज के साथ साथ दूध का भी काम है जी। 40-45 पशु हैं टोटल जो दूध पर लगे हुए हैं, जैसे सामने आप लोग इधर भैंसे देख रहे हो जी और इधर दूसरी तरफ कुछ गाय है। सेल के लिए अवेलेबल हर समय 10-12 पशु रहते हैं जी, जैसे आज भी आप लोग सामने देख रहे हो इतने पशु तो एवरेज रहते हैं जी। आगे की बातचीत करते हैं भाई सब के साथ और प्रॉपर डिटेल उनकी आज वाली गायों की और उनके काम की डिटेल आगे आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, कैसे हो भाई साहब? बढ़िया जी। सबसे पहले तो अपना नाम और यहाँ का अपना प्रॉपर एड्रेस बता दीजिए। नाम जी मेरा बग्गा सिंह जी, कोठे नत्था सिंह, तहसील गोनियाना मंडी, जिला बठिंडा। ओके जी भाई साहब, फ़ोन नंबर भी बता दीजिए। 62-395-31-104। ओके जी। दूध पर बहुत पशु हैं जी। हाँ जी, साथ में जैसे व्यापार का काम है। हाँ जी। एक साथ ही शुरू किया था या आगे पीछे शुरू किया? आगे पीछे शुरू किया जी। व्यापार का पहले किया था? व्यापार का सी, मुड़ के 10 पशु बांध ले, 15 कर ले, हौली हौली बढ़ा ले। अच्छा, धीरे धीरे बढ़ता गया। बढ़ता गया। कितने टाइम से कर रहे हो जी काम? 20 साल से। दूध का भी? दूध का भी। ज्यादा भैंसे रखी ज्यादा है, है ना जी? हाँ जी। कितना दूध हो जाता है भाई सब डेली? 4 क्विंटल दूध है अपने। 4 क्विंटल के करीब है? हाँ जी। चलो, 5-4 किलो घट जाना, कितने बढ़ जाता। चलो इतना तो थोड़ा बहुत होता ही रहता है, ऊपर नीचे इतने पशुओं पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है। हाँ जी, हाँ जी। और जैसे सेल के लिए मैं देख रहा हूँ आज 5-6 पशु टोटल है। हाँ जी। इतने की रहते हैं जो ये भी ऊपर नीचे हो जाते? ऊपर नीचे हो जाते, कभी 10-12 भी हो जाते, कभी 5-6 भी रह जाते। अच्छा, ऊपर नीचे कहने का मतलब आगे डिमांड के अनुसार या जैसे गांव में से पशु मिलते हैं तो उसी हिसाब से? हाँ जी, हाँ जी। कितने बाद जाते हैं, कितने घट जाते हैं? ओके। इना वाले 5-7 पशु तो हर बस पक्के रहते हैं अपने को। कितने के दूध वाली गाय मिल जाती है जी अपने? मान के चलो जी अपने को 12 तो लेके 30 प्लस वाली गाय मिल जाती है। 12 लीटर से स्टार्टिंग, 12 से कम वाली नहीं कहने का मतलब खरीदते? 12 से ऊपर ही है। 12 से ऊपर तो 30 प्लस तक मिल जाती है। 30 प्लस तक? हाँ जी। कहने का मतलब अच्छी क्वालिटी तक मिल जाती है। हाँ, जैसे आज भी मैं देख रहा हूँ क्रॉस ब्रीड वाली भी है, उधर एचएफ भी है। हाँ जी। इसी ब्रीड अपने को सभी मिल जाती है, देसी मिल जाएगी, साहीवाल मिल जाएगी, क्रॉस भी मिल जाएगी, एचएफ मिल जाएगी। ओके। साथ में जैसे भैंसे की, आज भैंसे कम ही रहती हैं? भैंस भी ज्यादा होती है, तोकड़ा गबड़ा भैंसा भी होती है अपने को। अच्छा, पाखड़ी क्या बिन भैंसे आप खरीदते हो जी? हाँ जी, वो भी होती है अपने को। जैसे ऑफ कैमरा भी हम लोग बात कर रहे थे कि दूध पर भी काफी भैंसे आप लोग पाखड़ी क्या ले जाते हो? हाँ जी, तोकड़ा गबड़ा पर ले जाते हैं। ओके। फिर घरों तोकड़ा गबड़ा हम भी बेच देने। अच्छा, पाखड़ी क्या बेच भी देते? बेच देते हैं। ओके जी। हाँ जी। आज वाली गायों का अगर दाम की बात करूँ तो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना करेगा? 40 से ऊपर 62,000। 40,000 से स्टार्टिंग हो गए? 60,000 तक? 60-62 तक? हाँ जी, हाँ जी। ओके जी। हाँ जी। एक एक करके अब गाय चलाकर दिखाइए जी, फिर आगे की बात। हाँ जी दोस्तों, बातचीत काफी हो गई, अब गाय आप लोगों को चलाकर दिखाएंगे। स्टार्टिंग करते हैं इस गाय से, डिटेल भाई साहब बताएंगे। हाँ जी भाई साहब, डिटेल बताइए जी। आधे घंटे की दोस्तों ये ब्याई हुई है भाई साहब बता रहे हैं। कौन से ब्यांत में ब्याई है सर? दूसरा ब्यांत आई। दूसरे ब्यांत में? और बच्चा बछड़ी है जी? बछड़ी आई। बछड़ी नीचे है जी, और जेर अभी इसने गिरानी बाकी है जी, वो आप लोग सामने देख सकते हो, आप लोगों के सामने अडर की क्वालिटी शेप आप लोग अच्छी तरह देख सकते हो। कितने दूध वाली है भाई साहब? 20 प्लस वाली है। 20 प्लस श्योरली दे देगी? 20 प्लस ही गारंटी पर दे देंगे। क्रॉसिंग में है ना? हाँ जी, क्रॉस में आप गारंटी दे देंगे 20 प्लस। 20 प्लस की गारंटी? हाँ जी। दाम क्या रखा गया? ये तो 62,000 रुपये। 62,000-62,000। हाँ जी। फिक्स रहेगा जो थोड़ा मानता नहीं होगा? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत मान सम्मान ही किया जाएगा, वो गलत बात नहीं रहेगी। हाँ जी। कि 10,000 तक का कोई भाई सोचने लग जाएगी? नहीं जी, बात तो कोई मानता नहीं होगा। ओके जी। इससे आगे दूसरी गाय चला, इससे आगे दूसरे नंबर पर ये एक और क्रॉस ब्रीड की गाय आप लोगों को चलाकर दिखा रहे हैं जी। हाइट वेट से बहुत अच्छी है और सबसे खास बात है जो इसका अडर देखने वाला है जी, वो आप लोगों को करीब से दिखाता हूँ। एकदम फिटिंग वाला अडर है, चारों के चारों अच्छे आंचल इक्वल गैप पर लगे हुए हैं और अडर की फिटिंग लूज कितना पड़ा हुआ है वो आप लोग अच्छी तरह देख सकते हो। ब्याने में काफ़ी टाइम लेगी, डिटेल भाई साहब बताएंगे। हाँ जी सर, डिटेल बताइए जिसकी। ये दूसरा सुआ जी, एक हफ्ता बाकी है। दूसरे ब्यांत ब्याने के लिए अभी एक हफ्ता लेगी। हाँ जी। कितने दूध वाली रहेगी भाई साहब? 18 प्लस वाली। 18 प्लस? हाँ। 18 बीच के 20 के बीच बस सकते हो, तो काट दी नहीं। ओके जी। हाँ जी।
फैट कितनी आ सकती है? फैट ये मान के जो 5.5 के करीब, 5.5। हाँ जी, क्या दाम रखा है इसे? ये फिक्स प्राइस 48,000 की, 48,000 फिक्स प्राइस है। हाँ जी, ओके जी। इससे आगे तीसरी गाय, इससे आगे तीसरे नंबर पर ये एक और क्रॉस ब्रीड की गाय आप लोगों को दिखा रहे हैं जी। डिटेल भाई सबसे जानते हैं। हाँ जी सर, डिटेल बताइए भाई सर। ये दूसरा सुआ बरे, दूसरे ब्यांत में अभी बहने वाली है। कितने दांत हो सकती है सर ये मुंह से? ये दांत पूरे है, दांत पूरे हैं जी। दूसरे है तो 6 दांत आप पूरे बता रहे हैं। ओके जी, कितने दिन अभी ले जाएगी? 8 दिन बाकी है। 8 दिन, हाँ जी। और क्रॉस ब्रीड में सर? क्रॉस ब्रीड में आ सकती है जी। हाँ जी, इसकी फैट कितनी है? मान के चलो 5.5 तो ऊपर ही आएगी, काफी नहीं आएगी। मैं फैट हर गाय की इसी वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका दूध का काम है। हाँ, आपको आइडिया देखकर हो जाएगा, हो जाता होगा हर एक गाय का कि ये इतनी फैट वाली। हाँ जी, चोन दी एक नंबर तक जाएगी भाई सभी। मान के जी बोलूं तो बाद बोल के 15+ वाली है। 15+, क्या दाम रखा गया सर इसका? एदा ही फिक्स प्राइस 42,000। 42,000, ओके जी। इससे आगे आगे वाली गाय, इससे आगे चौथे नंबर पर ये एक और जर्सी क्रॉस की गाय आप लोगों को चलाकर दिखा रहे हैं जी। बिल्कुल ब्याने की तैयारी है जी इस गाय की, और क्वालिटी आप लोगों के सामने, हाइट वेट से रंग रूप से बहुत शानदार गाय है। अडर की शेप आप लोग अच्छी तरह देख सकते हो, फेस से क्वालिटी देख सकते हो, जर्सी क्रॉस में पड़ती है। डिटेल भाई सबसे जानते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हाँ जी भाई साहब, डिटेल बताइए जी इसकी। इबरे दूसरा सुआ है, दूसरे ब्यांत में, ठंडी ठंडी बहुत है। कितने दूध तक जाएगी भाई साहब? 15+ वाली है। 15+। अभी अडर की बात करूँ तो काफी लूज पड़ा हुआ है, लेकिन गर्मी के कारण पहले ब्याह जाती है, मुड़ के खा पी के अडर उतने करे हमने। अच्छा, कितने दूध तक चली जाएगी? 15+ वाली है। 15+, बाद दे देगी, काट नहीं देगी, 15 से कम तो नहीं देगी। फैट भी कटो कट 6-0, वजन में बहुत अच्छी गाय है। फैट भी कटो कट 6-0 आएगी। ओके, क्या दाम रखा गया भाई? फिक्स प्राइस 46,000। 46,000 फिक्स प्राइस। हाँ जी, ओके जी। इससे आगे, इससे आगे पांचवें नंबर पर ये एक भैंस, ताजी ब्याई हुई भैंस आप लोगों को चलाकर दिखा रहे हैं जी। डिटेल भाई सबसे जानते हैं। हाँ जी भाई सब, डिटेल बताइए। ये दूसरा सुआ बरे, दूसरे ब्यांत में, कब की ब्याई है जी? 12 दिन हो गई है। 12 दिन की ब्याई है, और बच्चा कटड़ा जी? कटड़ा ही कटड़ा। कटड़ा, दूध कितना तैयार है? दूध 12 किलो नेट तैयार आई, 12 लीटर दोनों टाइम का निकालने। हाँ जी, और बढ़ जाएगी दूध? और बढ़ जाएगी, गर्मी का नहीं, गर्मी बहुत है। दूध 1-2 लीटर और बढ़ सकता है? 14 किलो कर जाएगी, गर्मी ठंड होगी ना, थोड़ी सी बारिश अगर आ जाती है तो 14 तक। हाँ, जेट ब्लैक है दोस्तों, बिल्कुल गिनती के कुछ बाल है नीचे से जो सफेद हैं, वो आप लोग सामने देख सकते हो। क्या दाम रखा गया भाई? 77,000 रुपया फिक्स प्राइस। 77,000 फिक्स प्राइस रहेगा, मौके पर 1,000-2,000 का कोई मान सम्मान कर दिया जाएगा। शांत स्वभाव की है वैसे, बहुत ठंडी, बेशक बंदा दोनों पास बह के चोई आवे, दोनों साइड बैठ कर दोनों पास से बह के चोई आवे। ओके जी, इससे आगे वो आखिर वाली गाय चला, इससे आगे आखिर में ये भाई सब की एक बाखड़ी ग्याबिन गाय आप लोगों को चलाकर दिखा रहे हैं जी। बताना चाहता हूँ, मेरे इधर पहुँचने के बाद ये गाय यहाँ पर आई है जी। हाइट वेट आप लोग देख सकते हो अच्छी तरह, डिटेल भाई सब से जानते हैं। हाँ जी भाई सब, डिटेल बताइए जी इसकी, कौन से ब्यांत में बहेगी? ये तीसरा ब्यांत बहेगी। तीसरे ब्यांत बहने के लिए कितने टाइम की ग्याबिन है जी? ये 7 महीने की ग्याबिन है। 7 महीने की ग्याबिन? हाँ जी, और 2 महीने अभी कहने का मतलब पड़े हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। दूध अभी दे रही है जी? दूध तो 10 किलो से नीचे, अब तो 8 किलो कहेंगे। 8 लीटर कोई भी भाई दोनों टाइम दोनों चार डांग आपदा चोके ले जी। ओके जी। हाँ। और जब ताजी ब्याई थी तब कितने दूध तक गई जी? 40+ वाली आई। 40+। और दाम क्या रखा गया? दाम इसका 45,000। 45,200 इस गाय का दाम रखा गया जी। 8 लीटर दूध दोनों टाइम का निकालने वाला अभी भाई साहब बोल रहे हैं कि तैयार है, 7 महीने की नेट गया बिना जी। 45,000 से मान सम्मान। हाँ, मान हो जाएगा। ओके, ये तो आज की गायों की डिटेल होगी। हाँ जी, इसके अलावा अगर जैसे थोड़ी अच्छी क्वालिटी की गायों की, ऐसी गायों की कोई भाई डिमांड करता है, मिल जाएगी? कितने के दाम तक चली जाएगी? जैसे ताजी कोई 40 लीटर वाली लेनी है, मान के चलो दाम तो चलेगा 90-95 वाला। ओके जी। हाँ जी, बाकी अगर जैसे पहले भी मौके से घाट वाद हो जाती है, वो खरीद बेचने वाले पर भी डिपेंड करता है। हाँ, कि आगे वाला आदमी कोई कस्टमर अपने को आऊगा, घरे हो या गाय घरों पसंद कर लेने, गांव से दवा देंगे, गांव रहने रूने का अपने को एक नंबर काम है। ओके जी, एक बार फिर से भाई साहब अपना एड्रेस और फोन नंबर दोबारा। पिंड कोठे नत्था सिंह वाले जी, तहसील गोन्याना मंडी, जिला बठिंडा। ओके, फोन 12395-31104। ओके जी, धन्यवाद भाई साहब।